केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। कुंडहित के बागाशोला कंटेनमेंट जोन में राशन की किल्लत झेल रहे दिहाड़ी मजदूरों को राहत देने में अब समाज सेवियों द्वारा भी पहल शुरू की गई है। इसी क्रम में दुमका के समाज सेवी विजय कुमार सुल्तानिया के सहयोग से कुंडहित प्रखंड के बागाशोला कंटेनमेंट जोन में रहने वाले 18 दिहाड़ी मजदूरों को राहत किट मुहैया कराई गई। किट में 10 किलो चावल, 5 किलो आलू, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक मुहैया कराया गया। राहत किट का वितरण प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरवर मिंज की मौजूदगी में किया गया। राहत किट मिलने से कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग काफी खुश दिखाई दिए। मौके पर मौजूद दानदाता विजय कुमार सुल्तानिया के प्रतिनिधि मोहन मंडल ने बताया कि सोशल मीडिया पर बागाशोला कंटेनमेंट जोन के लोगों द्वारा लगाई गई मदद की गुहार को देखने के बाद उन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। आगे भी जरूरतमंदों को इसी प्रकार से मदद मुहैया कराई जाएगी। मौके पर विजय कुमार, राहुल देव बर्मन, रफीक हुसैन, सुखेन मंडल आदि उपस्थित रहे। जामताड़ा से गौतम मंडल की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाया गया था यहाँ बागाशोला का, कुंडित का बागाशोला का आदमियों ने। तो सोशल मीडिया पर गुहार लगाने के बाद जब विजय कुमार सुल्तानिया को पता चला तो उसके बाद उन्हें मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है और मदद की पहल किया है। हम लोगों ने 18 परिवार को राशन किट मुहैया कराया है। राशन में हम लोग 10 किलो चावल, 5 किलो आलू, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक दिए गया है और आगे भी हम लोग इसके पहल पर काम करेंगे। जिसका भी अगर कोई ज़रूरतमंद लोगों की राशन नहीं है, खाद्य सामग्री नहीं है, तो हम लोग उसको पहुंचाने का काम करेंगे।